देखो रिचा, आज तक मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, बहुत नरमी से पेश आया हूं मैं तुम्हारे साथ, लेकिन आज के बाद मैं सिर्फ एक बाप की तरह पेश आऊंगा। डैड, आपके पास पुष्पा का कोई फोटोग्राफ होगा? फोटो नहीं, मेरे पास शीतल का कोई फोटो नहीं है। शीतल? कौन शीतल? कौन शीतल? आप ही ने तो नाम लिया शीतल। मेरी एक छोटी सी कोशिश से अगर मॉम की तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार आता है तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, तो फिर वेम्बली स्टेशन ही क्यों? पूरे लंदन में ढूंढ डालो ना, कहीं भी छुपी हो सकती है। शायद उसकी वजह से तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े खराब होते हैं। उनको टाइम पास के लिए इंसान चाहिए होते हैं। टाइम पास करते बोलो और जब काम खत्म होता है छोड़ के चले जाते। कमाल, इतना परेशान क्यों हो गए? मॉम तो समय से कभी मिली भी नहीं है, तो उनको समय से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये क्यों नहीं लगी? लगती नहीं तो काय को खरीदते हो लॉटरी? तुम हमारी खुपड़िया पे खड़े होकर के हमको सलाह देने आई हो कि कुछ बताने आई हो? घर में कुछ हुआ है क्या? हाँ। अच्छा बको, मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रही हो क्या? बोलो ना। हाँ मैं बोल ही रही थी। अच्छा बोलो, कहो। जगताप भाई साहब ऋचा को ऑफिस ले जाने की बात कह रहे थे। ऋचा को आप भांग पिए हो क्या? ऋचा को ऑफिस ले जाने की बात कर रहा था। ऑफिस पगजिया ऑफिस में जा क्या करेगी? उसको तो कुछ आता जाता नहीं। जितना आप कुछ और भी कह रहा था इस बारे में। भाई साहब को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कॉल सेंटर खोलने का। कॉल सेंटर? अरे तो जगह जगह टिड्डी दल की तरह से खोल रहे हैं, कौन सी बड़ी बात? हाँ जी, आप समझ नहीं रहे हो, लंदन से लोग आ रहे हैं। लंदन? हाँ जी, लंदन से आ रहे हैं कॉल सेंटर बनवाने के लिए। लंदन मतलब जगताप इतनी तेजी से तरक्की कर रहा, मतलब कि उसको ऋचा तक को ऑफिस ले जाने की जरूरत पड़ने लगी। एक बात कान खोल करके ध्यान से सुन लो, आज से अभी से किसी भी कीमत पे ऋचा घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी जब तक हम कुछ सोच नहीं लेते। समझी? हाँ। का समझी? जब तक आप कुछ सोच नहीं लेते ऋचा घर से बाहर नहीं जाएगी। अरे वाली मेरी लड्डू, बड़ी जल्दी समझ गई तुम तो बात। चलो ठीक है, अच्छी खबर सुनाई, जाओ देखो और कुछ हो रहा है क्या, पता लगाओ। लंबा चक्कर चल रहा है, ये ना पड़ेगा इंतजाम। ऋचा, ऋचा, चलो खाना लग गया है। पता नहीं ये लड़के दिन भर क्या करती रहती है, या तो अपने कमरे में दिन भर सोती रहती है नहीं तो अपने गुड़िया के साथ खेलती रहती है। जरा देखो तो जरा क्या कर रही है ऋचा, यहाँ भी नहीं है। हेलो, मैं सरिता बोल रही हूँ, ऋचा घर पर नहीं है। हाँ मैंने सब जगह ढूंढ लिया उसे, हाँ कहीं पर भी नहीं है। भाभी,
ऋचा मिली? कहीं नहीं मिली, मैंने पूरा घर छान मारा, घर आंगन ऋचा कहीं नहीं मिली। आपने छत पे देखा? नहीं, ऋचा अकेले छत पे कभी जाती ही नहीं। शायद आज गई हो, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ और इस वक्त। लेकिन मैंने तो किसी को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ टेरेस पे हूँ। किसी को नहीं बताया इसीलिए तो मुझे पता चल गया। चलो देखे तो सही हमारी बेटी ने क्या बनाया। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, वेरी नाइस। है ना? आपको बताएं, मैं ना ऐसी किसी जगह पे जाना चाहती हूँ। आज ये पेंटिंग बना के मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा ही होता है बेटा, जब हम अपने सपनों को अपने सामने देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, सपने देखो, फिर उन्हें साकार करो, फिर और सपना देखो, और फिर उससे भी बड़ा। आप ठीक कहते हो पापा, मैं अपने ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगी। मैं सपने देखूंगी और सपने देखूंगी। बेटा ये कहकर आज तूने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरा हर सपना पूरा करने में कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। तेरा हर सपना, हर इच्छा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। पापा आप रो रहे हो? नहीं, रोका रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि आंसू इंसान के सबसे बड़े दोस्त हैं। दुख में तो बाहर निकल ही आते हैं, खम्बक खुशी में भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे मैंने कहा ना, कहाँ रो रहा हूँ मैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, मतलब आपकी खुशी कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो हो गई है ना? बदमाश। बोलो 117 है, 6 नहीं है। अरे यार कमाल है यार। अच्छा ये आखिरी बटा देखो तो 3794 ये भी नहीं है। कितने की खरीदी टिकट? 10,000 की। ससुरी एक पैसे की नहीं लगी। लगता है किस्मत भी जो है ना ताला मार करके चाबी लेकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। अरे तो जब तुम्हारे टिकट लगते नहीं तो तुमने खरीदे क्यों? अरे प्रियंकु डार्लिंग, कहते हैं कि किस्मत का दरवाजा खटखटाते रहो खटखटाते रहो खटखटाते रहो तो एक ना एक दिन खुलता जरूर है। कब से खटखटा रहे हो तुम दरवाजा? तुम्हारी उम्र कितनी है? एक लड़की से इसकी उम्र नहीं पूछता। अच्छा तुम्हारी उम्र नहीं पूछते, हम बता देते। 20 साल से खरीद रहे हैं। 20 साल? हाँ। जिस दिन हमारी करोड़ों की लॉटरी लग गई ना, उस दिन हम लात मार के जगताप को हवेली से बाहर कर देंगे। अरे आज
ऐसी क्या बात होगी जो तुम्हें जगताप पे इतना गुस्सा आ रहा है? अरे हमें उस जगताप की तरक्की पे बहुत गुस्सा आता है। वो ससुराल तरक्की पे तरक्की किए चला जा रहा है। अरे अब तो उसकी कंपनी लंदन तक पहुंची जा रही है। लंदन? सबसे बुरी बात तो ये है कि वो ऋचा को भी ऑफिस ले जाना चाहता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अरे डार्लिंग, अगर वो ऋचा को अपने ऑफिस ले जाना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जाने दो ना उसे। अरे हमारी सुंदर सी गुड़िया, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी सुंदर सूरत दी है लेकिन भेजे ने एकदम भूसा भर दिया है। अरे ऋचा अगर ऑफिस जाने लगी तो उसका मन काम में बटने लगेगा, काम में बटने लगेगा तो वो ठीक भी हो सकती है, जिससे जगताप को बहुत सुकून मिलेगा और हमें बहुत तकलीफ होगी। हम जगताप को सुकून से नहीं देख सकते, हम ऐसा होने देंगे नहीं। मुझे लगता है ना जगताप ने तुम्हें कोई बहुत गहरी चोट पहुंचाई। वो हरामखोर बचपन से मुझे चोट पहुंचाता आया है। हर बात में हमसे दो कदम आगे, और जब से लंदन से वापस पहुंचा है ना, तब से तो उसने मेरा सुकून हराम कर दिया है, नींद उड़ा दी। अब तक तो उसने जमीन जायदाद के कागजों पे नजर नहीं डाली है, और अगर कहीं उसकी नजर हिसाब किताब पे पड़ गई, मेरा तो भंडा फोड़ हो जाएगा, पूरी फ्लैट की बत्ती तक गुल हो सकती। इसलिए जगताप के दिमाग को और दूसरे कामों में उलझाए रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका मतलब गांव की जमीन में भी तुमने कुछ घपला किया है? हम्म, सब तुम्हारे लिए प्रियंकू। अरे तुम वही इतनी सुंदर, हम का करें? एक बात बताए, जगताप से पिंड छुड़ाने के लिए ना एक काम कर सकते हो। क्या? इधर अरे वाह, क्या बात सोची है। हम तो समझे थे कि इस खुपड़िया में खाली भूसा भरा है, लेकिन तुम भी इतनी बड़ी साजिश हो सकती है तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये तो कमाल हो गया। क्या आदा है। सुनो, कहीं तुम हमारे खिलाफ भी तो कोई साजिश नहीं सोच रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की? तुम औरतों की ये बड़ी एक प्रॉब्लम, जरा सा मजाक कर दियो ना तो पिनीर 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 आंसू टपकाने लगती हो। अरे मजाक किया था हमने। अच्छा ये बताओ, तुमने झुमके खरीदे थे कि नहीं? अब हम तुम्हारे लिए हार भी खरीद देंगे। नौ लखा भी है, सब खरीद देंगे तुम्हारी, जो भी बोलो खरीद देंगे। सच्ची? हम भी वही करें। कितना
एक लाख है मालिक। इतना कम? अरे तुम लोग कहीं बीच में खा तो नहीं रहे पैसा? मालिक हमारे खून में कोई बेईमानी नहीं है मालिक, इस बार क्या है फसल बहुत कम हुई है मालिक, इसलिए कम है। अच्छा ये बताओ कि कानपुर के किराएदार टाइम पे किराया दे रहे हैं कि नहीं? हाँ मालिक वो बिल्कुल बराबर दे रहे हैं मालिक। अनु दिक्कत तकलीफ तो नहीं? नहीं मालिक आपकी कृपा से कोई दिक्कत नहीं है मालिक। अच्छा चलो निकलो ये। ठीक है मालिक, जय राम जी के मालिक। जय राम जी। आपको तो हम 50,000 बतावेंगे। नमस्कार सर। आपने बुलाया मुझे? हाँ घबराओ नहीं, इतना बड़ी सुरक्षित जगह है, यहाँ दीवारों के कान नहीं। बैठो। कहिए सर कैसे याद किया मुझे? चलो हम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो हम चाहते हैं कि तुम नौकरी तो जगताप की करो लेकिन वफादारी हमारी। मैं समझा नहीं सर। हम समझाए देते हैं। देखो जगताप तुमको कितनी तनख्वाह देता है उससे कम नहीं देंगे, उससे ज्यादा देंगे। ये बात आई समझ में? जी। चलो बढ़िया है। अब पहली बात हम ये चाहते हैं कि जगताप के ऑफिस में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इस सब की जानकारी तुम हमें दोगे। हम तुम्हें तुम्हारा दाम बता दें। अगर मैं ये ऑफर ठुकरा दूं तो? तुम सच कह रहे हो या अपना दाम बढ़ाने का चक्कर चला रहे हो? सर एक बात तो तय, इंसान के दिल के अंदर की बात जानने में आप माहिर हैं, आप यूं जान जाते हैं यूं। एक बात कहें, तुम जितने दिखते नहीं हो ना उससे ज्यादा कमीने आदमी हो। सर आदमी बोलने की क्या जरूरत है, सिर्फ कमीना बोल दीजिए काफी है। अच्छा ये बताओ जगताप कितना देता है? 10। बस बस हम तुम्हें दुगना देंगे। अब मुझे आपकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। अभी देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हैं। देखो तुम हमें ये बताओ कि जगताप के ऑफिस में आजकल क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो कॉल सेंटर वाला, वो लंदन की कंपनी है ना, उसका सारा सेटअप बना के देना है हम लोगों को। अरे यार ये तो हमको भी मालूम है, ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं बता। खुदाओ नहीं तुम्हारा दाम हम बता चुके हैं, ढूंढना। चलिए हम भी आपको बता देते हैं, ऐसे और 10-15 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले, तमाम MNCs के साथ, बाहर की कंपनीज के साथ बातें चल रही है। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो आने वाला है। 100 करोड़? फायदा कितना होगा? यहाँ बैठ के सटीक पता पाना तो मुश्किल है, पर फिर भी 20-22 करोड़ तो कहीं गया ही नहीं। 20-22 करोड़? जगताप इतना कमाएगा? और हम कुछ नहीं कमा पा रहे हैं सर। कमीनगिरी में कहाँ से कोर्स किया है? सज्जनपुर से PhD तक। चलिए मैं चलता हूँ। सुनो वक्त पे खबर देते रहना। ऐसे ही टाइम टाइम पर मेरा दाम बढ़ाते रहना। अरे कहा ना क्या इलीगल नहीं होता तो हम जो है वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देते। ओके टा टा निकलो निकलो। बीस बाईस करोड़? अरे ये तो सिर्फ अंदाजा है, फायदा तो इससे कहीं ज्यादा का भी हो सकता है। और हम लॉटरी पे पैसा फूंके चले जा रहे हैं और हमारी जेब में छेद है। जगताप की तिजोरी में सेंध लगानी पड़ेगी। बहुत पैसा कमा रहा है, छोड़ेंगे नहीं हम भी। जय 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 जय।
अच्छा जगताप, ये लो इस बार फसल का हिसाब, बस 50,000 हुए हैं। तो क्या इस बार जो है फसल अच्छी नहीं हुई ना? दादा, मैंने आपसे कभी हिसाब मांगा है क्या? अब तुमने हिसाब नहीं मांगा, लेकिन हमारा तो फर्ज है ना हिसाब देना। वो क्या है कि पैसे रुपए का मामला हमेशा जो है क्लियर रहना चाहिए। ठीक है दादा, मैं इस पैसे को माँ के अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। अब तुम्हारा पैसा है, जैसा तुम चाहो करो। हाँ, हमारी बिटिया रानी, हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है बेटा कि कुछ दिनों से हम सोच रहे हैं कि हम भी कुछ करें, ये रियल इस्टेट के धंधे में कुछ मजा नहीं आ रहा। तो फिर आप पापा के साथ ऑफिस क्यों नहीं जाते? पापा को भी हेल्प हो जाएगी। अरे तुम्हारे पापा अपने ऑफिस में हमको घुसने देंगे? क्यों, ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे? तुम बहुत भोली हो बिटिया, समझती नहीं हो। अगर हम ऑफिस गए ना तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो किससे फोन पे बात करता है, किससे मिलता जुलता है, किसके ऊपर पैसे उड़ाता है, समझ आई हो ना बात? हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हम तुम्हारे साथ ऑफिस चल सकते हैं। नहीं चाचू, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, तेरा दर्द हम समझते हैं। बेचारी मिन माँ की बच्ची, मतलब माँ का होना ना होना बेकार ही है, लेकिन हम तो हैं ना तुम्हारे चाचू, हम हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, अभी तू जा आराम कर, हाँ, टेंशन मत ले जाएगा, जा। अगर ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रही जल्दी ही ठीक भी हो सकती है। हम ये होने नहीं देंगे। जय जय नयम है हमारा, जय जय। जाना